एक गांव में एक इंसान रहता था जो अपनी जिंदगी से बहुत दुखी था। उसकी जिंदगी हमेशा चिंताओं से भरी रहती थी और इसीलिए वो हमेशा दुखी रहता था। एक दिन उसके फ्रेंड ने कहा, हमारे गांव से कुछ ही दूरी पर एक साधु थोड़े दिनों के लिए ठहरे हुए। फ्रेंड ने उसे अपनी समस्या के लिए उस साधु से मिलने को कहा। यह सुनते ही उसने साधु से मिलने का निश्चय कर लिया। अगले ही दिन वह इंसान उस साधु से मिलने गया। वहां जाने के बाद वह इंसान साधु के घर में प्रवेश हुआ। उसने देखा कि साधु ने बस थोड़े समय पहले ही मेडिटेशन खत्म किया है और एक जगह पर बहुत ही शांति से बैठे हुए। वह इंसान साधु के पास गया और कहने लगा कि सर, मेरी जिंदगी पूरी दुखी से भरी हुई है। और उसके बाद उसने अपनी सारी समस्याएं साधु को बता दी और कहा, कृपया करके मुझे समस्या का समाधान बता दीजिए। ये कहने के बाद वह इंसान शांत हो गया। साधु उस इंसान के सामने ध्यान से दिख रहे थे। उन्होंने थोड़ी देर के लिए सोचा और फिर कहा, माय फ्रेंड्स, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस रूम में कितने लाल कलर है? ये सुनते ही वह इंसान सोच में पड़ गया। वो अंदर ही अंदर सोचने लगा कि मैं साधु से अपनी समस्या का समाधान पूछ रहा हूँ और ये तो मुझे फालतू के सवाल पूछ रहा है। लेकिन न चाहते हुए भी उसको उस रूम में लाल कलर को ढूंढना पड़ा। थोड़ी देर देखने के बाद उसने साधु से कहा कि सर, यहाँ पर तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लाल कलर की बनी हुई है। उसने साधु से कहा कि सर, ये देखो, ये बेड भी लाल कलर का है, वो एप्पल देखो वो भी लाल है, वो चटाई देखो वो भी लाल है, और आपके चप्पल भी लाल है। साधु ने कहा, ओके, अब अपनी आंखों को बंद करो और मुझे ये बताओ कि इस रूम में कितने ब्लू कलर्स है। वह इंसान कंफ्यूज हो गया और कहने लगा कि सर, मैं अपनी आंखों को बंद करके कैसे बता सकता हूँ कि इस रूम में कितने ब्लू कलर्स है। उसके बाद साधु ने उस इंसान को कहा कि जब आप लाल कलर को देख रहे थे, क्या तब आपने ब्लू कलर को नहीं देखा था? उस इंसान ने कहा, नो सर, जब मैं लाल कलर को देख रहा था तब मैंने अपना पूरा फोकस सिर्फ लाल चीजों पे लगा दिया था, इसीलिए मैं इस रूम में ब्लू कलर्स को नहीं देख पाया। ये सुनने के बाद साधु ने थोड़ी स्माइल दिखाई और कहा, माय फ्रेंड्स, यही आपके सवाल का जवाब था। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है, हमें वही मिलता है जो हम देखते हैं। जब आप इस रूम में लाल कलर को देख रहे थे तब आपका दिमाग सिर्फ लाल चीजों को ढूंढने में लग गया था, आप दूसरा कोई कलर नहीं देख पाए। इस रूम में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो ब्लू कलर की बनी हुई थी, लेकिन आपका पूरा फोकस सिर्फ लाल चीजों पे होने की वजह से आप ब्लू कलर को नहीं देख पाए। इसी तरह हमारी जिंदगी भी दो चीजों से बनी हुई होती है, हैप्पीनेस और सैडनेस। लेकिन आपने अपना पूरा फोकस सिर्फ सैडनेस के पीछे लगा दिया, इसलिए आप अपनी जिंदगी में खुशियां नहीं ढूंढ पाए। ऐसा नहीं है कि आपकी जिंदगी में खुशियां ही नहीं है, बट समस्या ये है कि आप अपनी खुशियों पे ध्यान ही नहीं देते। इसलिए आपको अपनी जिंदगी को देखने का नजरिया बदलना चाहिए।